दवा लेकर आ गए। मतलब मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला था कि वो वट का जो वट पौधा जो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, वो वाले ही पौधे के 5 पत्ते की ज़रूरत होती है पूजा में। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप उस वो मतलब 5 पत्ता ना वो पेड़ से कहीं से भी आप ढूंढ करके ले आना। मैंने उनको बता दिया था कि वो पेड़ कहाँ पर मिलेगा, तो वो गए और वहाँ से मतलब काफ़ी दिन पहले मैंने उन्हें बताया था, तो वो गए और जब जाकर लेकर आए तो आज सुबह जब मैंने देखा तो मैं शॉक्ड ही रह गई। पता है वो कौन सा पत्ता ले आए पता नहीं, ये देखो ये पता नहीं ये कौन सा पौधा का पत्ता उठाकर ले आए हैं, और ये वो वाला पत्ता नहीं है जो मुझे चाहिए था। तो अब मुझे फिर से शाम को अब जाना पड़ रहा है उनके साथ। उन्होंने बोला कि चलो अब लेकर आते हैं वापस, तुम खुद ही देख लेना कि पता नहीं कौन सा पेड़ है, वो कंफ्यूज़ हो गए और ये गलत पत्ता उठाकर ले आए इतने सारे। शाम को तो ऐसे ही यहाँ पे लॉकडाउन है, तो अब हम लोग अपने जान हथेली पे रख कर जा रहे हैं वो पत्ते को वापस से लाने के लिए। पता नहीं अब हमें डंडे मिलने वाले हैं या पत्ते मिलने वाले हैं, बट कोई नहीं, ट्राई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कल मुझे पूजा में ये अर्जेंटली ज़रूरत है और उसके बिना पूजा नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको दिखाया था ना कि वो पौधा मेरा कितना खुद ही बहुत छोटा सा है, उसमें से भी मैं 5 पत्ते तोड़ कर ले ही आ जाऊँगी तो फिर कैसे होगा यार। तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि इतना छोटा सा पौधा है, गिनकर इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 पत्ते ही है, 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये गमला भी मैंने अरेंज करके रखा है वो पौधे को लगाने के लिए, बट अभी तक मैं लगाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे मतलब टाइम नहीं मिला है इसलिए। ये देखो ये गमला है, तो उसे भी मैं लगा दूँगी, शाम तक लगा लूँगी आराम से। तो अभी तो फिलहाल पहले हम जा रहे हैं पत्ते लाने के लिए, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ आप देख रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पे शॉप्स हैं सारे क्लोज्ड है, एक भी नहीं खुले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर्स खुले हैं, वो भी एक आध ही खुले हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और ये देखो रोड भी कितना सन्नाटा हुआ पड़ा, मतलब इस रोड में कितना ज़्यादा ही हमेशा भीड़ हुआ करता था, बट अभी देखो कितना सन्नाटा छाया है। वापस घर आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि मुझे वो पत्ते नहीं मिले उस पेड़ के, क्योंकि मैंने पहले जब भी उस रास्ते में देखा था ना, मतलब जिसे मैं एक्चुअली मैं बनियान ट्री में समझती थी ना, वो एक्चुअली उसकी हमशक्ल निकली, क्योंकि मैं जब भी उसे देखी रास्ते में आते जाते ना तो हमेशा रात के वक्त ही देखी, तो शायद मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई। और आज जब मैंने वापस से उसी जगह पर जाकर उस पेड़ को देखा ना, तो फिर पता चल गया मुझे कि यार ये सच में ये बनियान ट्री नहीं है, ये दूसरा ही कुछ पेड़ है यार, मतलब। तो गाइस मैं अब आ चुकी हूँ अपने पूजा वाले रूम में और मुझे प्रसाद बनाना था। तो मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि प्रसाद में हम ठेकुआ चढ़ाते हैं जो कि बिहारियों का एक पकवान होता है, तो वो अभी मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए। और हम इस प्रसाद को एक दिन पहले ही बनाकर रख लेते हैं शाम को, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग उसी प्रसाद से फिर पूजा करते हैं और फ्रूट्स भी यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने न्यू गैस लिया है, ये वाले गैस सिर्फ और सिर्फ पूजा का ही हम लोग प्रसाद वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं इस प्रसाद को बनाने के लिए कर रही हूँ, ठेकुआ को बनाने के लिए कर रही हूँ, वो सारा कुछ ही बहुत मतलब न्यू पैकेट्स है बिल्कुल, मतलब मैंने उसे पहले अपने रसोई में यूज़ नहीं किया है। तो ये बहुत ही मतलब शुद्धता के साथ ये प्रसाद बनता है और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ये ठेकुआ को, तो अकेले तो मुझे उतना भी अच्छा से नहीं आता, जस्ट काम चलाओ बना ले रही हूँ। तो ये देखो आप थोड़ा सा नीचे ये हल्का सा पतीला में लग भी चुका है, कढ़ाई में लग गया है ये, बट फिर भी नेक्स्ट बार मैं कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छा बना सकूँ। और ये बर्तन भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ये सारा कुछ ही मतलब मैं इसे अपने किचन में यूज़ नहीं करती हूँ, ये जस्ट पूजा के लिए ही है। तो इस पूजा में जो भी हम प्रसाद बनाते हैं इसको बहुत ही शुद्धता के साथ बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे शाम में पहले फिर से फ्रेश होकर आई, मतलब शावर लेना पड़ा मुझे, उसके बाद ही मैं यहाँ पर बनाने आई हूँ। अभी आप देख ही रहे होंगे कि मैं ये प्रसाद जो बना रही हूँ ये अपने पूजा वाले रूम में ही बना रही हूँ। तो जस्ट मैं ये प्रसाद को बनाकर यहीं पे ही इसी पूजा रूम में ही रख दूँगी, और जितने भी बर्तन और गैस वगैरह यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, इसको यूज़ करने के बाद फिर इसी रूम में ही रख दूँगी।
तो ये देखो, ये रहा मेरा ठेकुआ। तो मैं अपने उस व्लॉग को आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज है वट सावित्री। तो ये देखिए, मैं रेडी होकर आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आप देख ही रहे हो कि मैंने वही वाले इयररिंग्स और साड़ी पहन रखे हैं और हम यहाँ पे अपने पूरा 16 श्रृंगार करते हैं, उसके बाद ही पूजा करते हैं। ये देखिए मेरा छोटा सा वट का पेड़ है, ये मैंने 5 पत्ते इसमें से निकाल लिए, एक बचे सिर्फ। तो ये देखिए, मैं अपनी पूजा शुरू कर चुकी हूँ और इसी तरह से ही पूजा होता है हमारा। और इसमें हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। और ये वट का पेड़ जो होता है, इसका भी लाइफ स्पैन जो होता है बहुत लंबा होता है। तो इसीलिए इस पूजा में हम इसी पेड़ का ही पूजा करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान हमारी हस्बैंड्स की भी लाइफ इतनी ही लॉन्ग रखे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे वो पंखा का भी यूज़ करा है, अभी जस्ट वही पंखा से मैं यहाँ पे पेड़ को हवा करूँगी और फिर उसी पंखे से मैं अपने हस्बैंड को भी पंखा करूँगी। और ये जो भी प्रसाद मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ, उसमें से वही प्रसाद मैं उनको भी दूँगी और ख़ुद भी रखूँगी। इस पूजा में हम पेड़ के चारों तरफ फेरे लगाते हैं और फेरे लगाकर ये हाथ में धागा रखते हैं और ये धागा से को ही लपेटते हैं गोल गोल घूमकर। ये देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये पेड़ काफ़ी बड़ा होता है तो और अच्छे तरीके से हो पाता है, बट ये काफ़ी छोटा सा था तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बट स्टिल करना था इसी पेड़ में ही। ये तो मिल गया ही बहुत था मेरे लिए, इसीलिए मैं किसी तरीके से यहाँ पे कर ली। तो ये देखिए, मेरी पूजा इसी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जो भी अपने नियम हैं उस हिसाब से मैं कर रही हूँ और उसके बाद फिर प्रणाम करके फिर प्रसाद ले लूँगी और अपने हस्बैंड को भी दूँगी। गाइज, मुझे साड़ी पहनने में ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, मतलब मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है। तो इसी वजह से ना मैं किसी तरीके से बस लपेटा मार ली हूँ और पहन कर जस्ट पूजा करना था तो बस इसलिए पहन ली हूँ ये साड़ी। और मतलब बहुत काफ़ी मुश्किल हो रही थी मुझे पहनने में, जबकि ये काफ़ी सॉफ्ट है ये साड़ी का मटीरियल, बट स्टिल मुझे पहनना ही नहीं आता। तो ऑब्वियस सी बात है कि परेशानी तो होगी। तो गाइज़, ये वाला व्लॉग में बस इतना ही। आपको मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और लाइक भी करना वीडियो को, और प्लीज़ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम आईडी भी डाला है, तो मुझे आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इस YouTube चैनल के एनालिसिस चार्ट को मैंने देखा था तो उसमें दिखा रहा था कि 55% लोग नॉन सब्सक्राइब लोग ही मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।